हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस की बुक से चैप्टर 27 चुस्किट गोज टू स्कूल। ये चैप्टर बच्चों कहानी है चुस्किट की, जो एक बच्चे का नाम है, एक लड़की है, और क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज है इसलिए वो और बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकती, लेकिन वो स्कूल जाना चाहती है। तो किस तरीके से एफर्ट करके उसको स्कूल पहुँचाया जाता है, ये सब बातें इस कहानी में बताई गई है। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में चुस्किट जो है वो देखती है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन वो 10 साल की हो गई और वो अभी तक भी स्कूल नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज है, वो चल नहीं सकती, इसलिए वो स्कूल नहीं जाती, उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजते। और कितने सालों से वो इस बात का इंतजार कर रही है कि मैं कब स्कूल जाऊंगी, वो दिन कब आएगा, कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मुझे स्कूल जाने के लिए मिलेगा। वो स्कूल क्यों नहीं जा पाती बच्चों? क्योंकि जो स्कूल जाने के लिए जो वे है, जो रास्ता है, वो अच्छा नहीं है, टूटा फूटा है। वो जो है वहां पहुंचने के लिए ना तो कोई बस जाती है और ना ही कोई प्रॉपर सड़क बनी हुई है, और रास्ते में झील पड़ती है। तो इसलिए ये सारी चीजें, जब चुस्के चल नहीं पाती ठीक से घर में, तो वो ये सारी चीजें पार करके स्कूल कैसे जा पाएगी, तो इसलिए उसके घर वाले उसको प्रॉब्लम होगी ये सोचकर स्कूल नहीं भेजते। स्कूल पहुंचने के लिए जो भी बच्चे जाते हैं वो कैसे जाते हैं, वहां पर एक सड़क है बड़ी सी, उस सड़क पर चल के, टूटी फूटी सी सड़क है गांव के बीच में से होके निकलती है, वो उस सड़क पर चल के वो बस तक पहुंचते हैं, और या फिर झील है एक बनी हुई, लेक है, उसके साथ साथ चलते जाते हैं। और वहां पर एक पॉपुलर का पेड़ है, उसके पास जो झील है उसको पार करके, चढ़ाई करके वो स्कूल पहुंचते हैं। तो ये जो कहानी है, ये ऊंची नीची सड़क क्यों है बच्चों, वहाँ पे प्लेन एरिया क्यों नहीं है, क्योंकि वो हिल एरिया है, लद्दाख का एरिया। ये जो कहानी है वो लद्दाख के एक बच्चे की है, और लद्दाख जो हिल एरिया है इसलिए वहाँ पे जो रोड है वो प्लेन नहीं है, जो भी रास्ता है वो ऊंचा नीचा है, तो इसलिए बच्चे इस तरीके के खराब रास्ते को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। लेकिन चुस्किट चल नहीं पाती, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेजते। इस तरीके से आप सब बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चों, तो सबका जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। हम सब लोग इजीली स्कूल क्यों चले जाते हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे प्लेन सड़क है, और सड़क है इसलिए वहाँ पे कोई भी व्हीकल, चाहे वो बस है, ऑटो है, रिक्शा है, स्कूटी है, कार है, इजीली चल जाता है। वहाँ पे प्रॉपर रोड बनी हुई है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे साइकिल से जाते हैं, बहुत से बच्चे स्कूटी से जाते हैं जो बड़े हैं, 12th क्लास में है, और छोटे बच्चे कैसे जाते हैं, बस से जाते हैं, बहुत से बच्चे ऑटो रिक्शा से जाते हैं, कुछ रिक्शे से जाते हैं, और जिनका स्कूल जो घर है वो स्कूल के बिल्कुल पास है, वो लोग वॉक करके जाते हैं या फिर साइकिलिंग भी करते हैं। तो इट मीन्स कि सब लोग अपने अपने वे से स्कूल जाते हैं, लेकिन सबको जाने के लिए प्रॉपर एक रास्ता, प्रॉपर एक सड़क की जरूरत होती है। तो प्लेन एरिया में रोड जो है प्रॉपर तरीके से बनी होती है, इसलिए हमें स्कूल जाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि चुस्किट को स्कूल जाना इसका इतना मुश्किल क्यों है, क्यों? क्योंकि हम ऐसे एरिया में नहीं रहते हैं। लेकिन जो लोग हिल एरिया में रहते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेली स्कूल जाना उनके लिए कितना बड़ा टास्क है, क्योंकि ये कहानी है लद्दाख की। लद्दाख एक हिल एरिया इलाका है, और वहां पे प्रॉपर तरीके से कहीं भी जाने का रास्ता नहीं बना हुआ। तो इस तरीके से जो चुस्किट है वो स्कूल जाना चाहती है लेकिन नहीं जा पाती, क्योंकि जन्म के समय से ही उसके जो लेग हैं, जो पैर हैं, वो खराब हो गए थे, तो वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। तो इस तरीके से चुस्किट जो है अपने घर में बैठी रहती है, और बैठे बैठे क्या करेंगे बच्चे, या तो टीवी देखेंगे या गेम खेलेंगे, तो लेकिन उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या करती है, वो ड्रॉइंग करती है, और ड्रॉइंग जो है बहुत अच्छी बनाती है, क्योंकि वो डेली ड्रॉइंग बनाती है, और उसकी ड्रॉइंग उसकी माँ, जिसको वो आमा ले कहती है, वो कहती है कि बेटा तुम बहुत सुंदर ड्राइंग बनाती हो, और चुस्किट खुश हो जाती है जब उसकी माँ उसे ऐसे कहती है। एक दिन उसके जो फादर होते हैं, पिताजी, जिनको आमा ले कहती है, वो एक पहिए वाली व्हील वाली व्हील चेयर लेकर आते हैं, और उस पर चुस्किट को बैठाते हैं। अब चुस्किट उसको व्हील चेयर को जो है आगे पीछे करती है, मूव करती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो इतनी खुश होती है, उसे ऐसा लगता है कि अब मुझे चलने के लिए किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। अदरवाइज चुस्किट को अगर एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना है तो उसे अपनी पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती थी, अपनी मदर की, अपने फादर की।
लेकिन जब वो इस चेयर पे बैठती है तो वो ऐसा फील करती है कि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, इस चेयर पे बैठ के मैं इसके व्हील को घुमाऊंगी और कहीं भी पहुंच जाऊंगी जहां मेरा मन करेगा। तो इस चेयर पे बैठ के वो बहुत खुश होती है। पहली बार उसको कोई ऐसी चीज मिलती है जो उसको बहुत ज्यादा खुशी देती है, क्योंकि इससे वो कहीं भी जा सकती है। अब चुस्की जो है, जैसा कि हर सुबह बच्चों को देखती थी, सब बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं, तो उसका भी मन करता था कि वो स्कूल जाए। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसी अपने चेयर पे बैठी हुई थी गार्डन में व्हील चेयर पे, तो एक पोस्टमैन आया और उसने एक लेटर उसके घर दिया। और उसने चुस्की से पूछा कि बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? तो उसने बहुत ही सैड होकर रिप्लाई करा कि आबा ले मतलब मींस मेरे फादर जो है मुझे रोज रोज उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं चल नहीं सकती, इसलिए मेरे आवाले रोज मुझे पीठ पर उठाकर स्कूल कैसे ले जाएंगे, और मैं अपनी कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि कुर्सी चलाने के लिए एक अच्छी रोड, एक अच्छी सड़क की जरूरत है, और यहाँ पर तो जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा खराब है और रास्ते में फिर नदी भी पड़ती है, तो मैं उसे पार नहीं कर सकती। तो जो पोस्टमैन होता है वो कहता है कि ये सब बातें ठीक है बेटा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है स्कूल जाने में, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? तो वो चुस्की एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि बच्चे से अगर कोई ऐसी चीज पूछ ली जाए जो वो करना चाह रहा है तो वो एकदम से एग्री कर जाएगा उस चीज के लिए। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे फादर मुझे स्कूल नहीं जाने देते। और मेरे दादाजी जो उस समय वहीं बैठे हुए थे, वो दादाजी भी उसको टोकते हैं और कहते हैं चुस्की सपने देखना छोड़ दो, तुम जानती हो बेटा ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि तुम और बच्चों से अलग हो, तुम अपने आप से स्कूल नहीं जा सकती, इसलिए इस तरीके के सपने मत देखो कि तुम बड़े होकर कुछ करना चाहती हो, बहुत पढ़ना चाहती हो। तो इस तरीके से चुस्की बहुत ज्यादा अपने दादाजी का रिप्लाई सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। स्कूल बच्चों एक ऐसी चीज है जहाँ पर हर बच्चा जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाकर बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, वो आगे लाइफ में उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, अपनी लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज, फ्रेंड्स बनाना, अच्छे से जो स्कूल की ट्रिप होती है उनको एंजॉय करना, घूमना, पढ़ना, टेस्ट देना, पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना, ये सब चीजें, गेम्स खेलना, ये सब चीजें स्कूल से बच्चे सीखते हैं। और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो वो अपनी एक जिंदगी के बहुत बड़े एक्सपीरियंस जो उसे मिलने वाला है उसको वो खो रहा है। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, कभी आप उनसे पूछ के देखिएगा कि उनको कितना बुरा लगता है कि वो स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाके हम जिंदगी की बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। इसलिए चुस्की को भी स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो जा नहीं पाती। लेकिन जो अब्दुल होता है पोस्टमैन, वो कहता है चुस्की से कि मैं तुम्हें स्कूल पहुंचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें अगर स्कूल जाना है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि तुम्हें स्कूल तक पहुंचाऊं। फिर उसने एक आइडिया सोचा चुस्की को स्कूल पहुंचाने के लिए। वो क्या था कि वो पहले स्कूल गया और वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल और जो टीचर्स थे उससे उसने बात की। और बात करने पर पहली बार में तो वाइस प्रिंसिपल और जो टीचर्स थे, सीनियर टीचर्स थे, सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, एक बच्चा जो फिजिकली चैलेंज है उसको आप यहाँ तक कैसे लेकर आएंगे और रास्ते इतना ज्यादा खराब है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठ के पढ़ सके। लेकिन जो पोस्टमैन था वो बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करने लगा, उनके पीछे पड़ गया कि नहीं सर प्लीज आप परमिट कर दीजिए, ऐसे बच्चे को अलाउ कर दीजिए पढ़ने के लिए। तो जब वो बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए तो जो टीचर्स थे उन्होंने हाँ कर दी और वाइस प्रिंसिपल ने भी हाँ कर दी कि ठीक है आप उस बच्चे को ले आइए। अब उसके सामने समस्या ये थी, जो पोस्टमैन था अब्दुल, स्कूल में तो एडमिशन मिल गया लेकिन घर से स्कूल तक कैसे लाया जाएगा। उसके लिए उसने क्या करा, एक ग्रुप बनाया बच्चों का और जो सड़क थी, जो टूटी फूटी सड़क थी उसको उसने ठीक करने की कोशिश करी, और जो दूसरा ग्रुप था उसने जो नदी के पास वाली जमीन थी उसको ठीक करने की कोशिश करी, और ठीक करके उसको एक प्लेन रास्ता बनाने की कोशिश करी जिसके ऊपर चुस्की की व्हील चेयर चल सके। और इसमें जो वहाँ के टीचर्स थे उन्होंने भी बच्चों की बहुत हेल्प करी। और जो नदी बीच में रास्ते में पड़ती है उसके ऊपर लकड़ी के जो पट्टे होते हैं उससे एक पुल बना दिया गया, और ये सारा काम बच्चों ने बहुत खुशी खुशी किया और ये सारा काम बहुत जल्दी हो गया क्योंकि सभी बच्चे चाहते थे कि चुस्की स्कूल जाए। और चुस्की के जो आमाले और आबाले थे, मींस मदर और फादर,
उन्होंने जब देखा कि सभी लोग मेरे बच्चों मेरे बच्चे के लिए चुस्किट के लिए इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के इतनी उसके लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्कूल ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी सबकी हेल्प करने के लिए, उनको थैंक यू बोलने के लिए उन्होंने सबको क्या करा, थैंक यू बोलने के बजाय उन सबको गर्मा गर्म चाय और बिस्किट खिलाए। और चुस्किट के जो मेमेले थे यानी कि ग्रैंडफादर, वो भी इतने खुश हुए कि उनको ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल एक सपना था जो आज सच हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चुस्किट स्कूल जाएगी, लेकिन आज पोस्टमैन के और टीचर्स और बच्चों के प्रयास से ये सब संभव हो रहा है कि चुस्किट स्कूल जा रही है। तो ये सब उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था, इसलिए वो सारा ये सब कुछ जब अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे तो वो खुशी से रोने लगे कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चुस्किट स्कूल जा पाएगी। और शाम होते होते सारा काम हो गया और सभी बच्चों ने सारा काम निपटा दिया और इस तरीके से चुस्किट का जो सपना था वो पूरा हो गया। और दूसरे दिन से वो दिन आ गया जब चुस्किट स्कूल जाने के लिए तैयार थी, और चुस्किट स्कूल जाने का जो इंतजार कर रही थी अपनी सारी जिंदगी से, आज उसका इंतजार खत्म हो गया और चुस्किट स्कूल चली गई। तो बच्चों, चुस्किट की किस किस तरह से, जिस तरीके से स्कूल ने मदद पहुंचाई, बच्चों ने हेल्प करी, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति जो फिजिकली चैलेंज है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वाकई में हेल्प की जरूरत है, तो हमें जरूर ऐसे व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है या हमारे घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जिसको वाकई हेल्प की जरूरत है, तो करना चाहिए जैसा कि अब्दुल ने करा। अब्दुल की जगह अगर आप होते और आपके सामने कोई ऐसा बच्चा होता जो फिजिकली चैलेंज है, स्कूल जाना चाहता है, आप उसकी किस तरीके से मदद करते, इसके ऊपर आप चाहें तो एक पैराग्राफ लिख सकते हैं जिसमें आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चुस्किट व्हील चेयर पे स्कूल गई, व्हील चेयर पे बहुत सारे बच्चे चलते हैं जो ठीक से चल फिर नहीं पाते, ऐसे लोगों के लिए व्हील चेयर बनाई गई। और आजकल इलेक्ट्रिक व्हील चेयर आ गई है जिसमें स्विचेस होते हैं जिससे आप व्हील चेयर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है, व्हील चेयर जिसने भी बनाई है, एक बहुत अच्छी चीज बनाई है जिससे कि इस तरीके के बच्चे और बड़े लोगों के लिए भी, सभी के लिए है, वो लोग कहीं भी मूव कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, यानी कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है। तो इट मींस कि जब कोई फिजिकली चैलेंज होता है बच्चों और वो अपनी मर्जी से जब कुछ कर पाता है, तो उसके लिए वो लाइफ जीना ही एक सपने के सच होने जैसा ही होता है। और चुस्किट के जीवन में तो दो दो सपने सच हुए थे कि उसको व्हील चेयर मिली थी और उसको स्कूल मिल गया था जाने के लिए, जो कि उसका ड्रीम था, वो स्कूल जाना चाहती थी। तो ये चैप्टर 27 था बच्चों, चुस्किट जिसमें स्कूल जाती है और कैसे उसका स्कूल जाने का सपना पूरा होता है, पूरी कहानी को हमने डिटेल में पढ़ा। चैप्टर 27 चुस्किट गोज टू स्कूल, चैप्टर बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। और हमने इससे ये सीखा कि कोई भी बच्चा जो किसी तरीके की अगर उसको हेल्प की जरूरत है, कोई बच्चा हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन है या हमारे आसपास कोई भी बच्चा है जिसको पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि पढ़ना हर बच्चे का अधिकार है, पढ़ाई से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प की जरूरत है, तो हमें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। चैप्टर की रिकॉर्डिंग बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।